गुम है किसी के प्यार में अनुपमा और ये रिश्ता क्या कहलाता है टीवी इंडस्ट्री के उन टीवी शोज में से एक है जो कि साल 2021 के सबसे ज्यादा चलने वाले और सबसे ज्यादा टीआरपी पाने वाले टीवी शोज में से एक हैं, जिनमें अनुपमा और गुम है किसी के प्यार में तो टीवी शो रहे हैं जो कि पर्दे पर कुछ समय पहले ही प्रसारित हुए, पर इसके बावजूद इन टीवी शोज ने शुरू होने के कुछ महीने के अंदर ही टीआरपी में नंबर वन की पोजीशन हासिल कर ली। लेकिन दोस्तों, टीवी इंडस्ट्री में ये तीनों ही टीवी शोज जहां साल 2021 के सबसे ज्यादा चलने वाले और दर्शकों पर अपना जमकर जादू चलाने वाले टीवी शोज हैं, तो वहीं टीवी इंडस्ट्री में कई शोज ऐसे भी रहे हैं जो कि साल 2021 में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए, और इसीलिए आज हम आपको ऐसे ही 8 टीवी शोज के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कौन से हैं वो टीवी सीरियल। नंबर वन, सरगम की साढ़े साथी। इस लिस्ट में सबसे पहला टीवी शो है सोनी पर प्रसारित हुआ सरगम की साढ़े साथी, जिसमें मुख्य अभिनेत्री के तौर पर अंजलि दत्तरारी नजर आई थी। बता दें, शो फरवरी के महीने में प्रसारित किया गया था, पर अफसोस शो शुरू होने के 3 महीने में ही ये शो मई के महीने में ऑफ एयर हो गया, जिसकी बड़ी वजह इस शो की कहानी बताई जाती है जो कि दर्शकों को पसंद नहीं आई थी, और इसी वजह से ये शो इस लिस्ट में शुमार हुआ है। नंबर टू, मेहंदी है रचने वाली। स्टार प्लस पर फरवरी के महीने में शुरू हुआ टीवी शो मेहंदी है रचने वाली भी काफी ज्यादा अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ पर्दे पर उतारा गया था, जिसमें हमें पल्लवी जो कि एक विधवा होती हैं, उसकी बिजनेसमैन रघु के साथ लव स्टोरी देखने को मिलती है, जिसमें दर्शकों को रोमांटिक तकरार और प्यार से लेकर फनी अंदाज सब कुछ देखने को मिला। पर इसके बावजूद ये शो टीआरपी में कभी भी आगे नहीं रहा और इसी वजह से इसे नवम्बर के महीने में ही बंद करना पड़ा। नंबर थ्री, इश्क पर जोर नहीं। 15 मार्च 2021 को सोनी टीवी पर प्रसारित किया गया शो इश्क पर जोर नहीं भी दर्शकों पर अपना कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया। शो में अक्षिता मुगदल, परम सिंह और शगुन शर्मा जैसे सितारे लीड कैरेक्टर के रूप में नजर आए थे, जिसकी कहानी काफी ट्विस्ट और टर्न्स के साथ पर्दे पर उतारी गई थी, पर इसके बावजूद दर्शकों ने इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं किया और इसी वजह से अगस्त के महीने में ही ये शो बंद हो गया। नंबर फोर, बालवीर रिटर्न्स। दोस्तों, सोनी सबका टीवी शो बालवीर पर्दे पर कितना ज्यादा सुपरहिट रहा था ये तो शायद ही बताने की जरूरत है, जहां बच्चों में शो की डिमांड को देखते हुए इसे साल 2019 में एक बार फिर से पर्दे पर लाया गया, जिसमें हमें एक बार फिर से जादू भरी कहानी देखने को मिली। पर इस शो के स्टार कास्ट और कहानी दर्शकों का पिछली बार की तरह एंटरटेनमेंट नहीं कर पाई और इसीलिए इसे भी साल 2021 में बंद करना पड़ा। नंबर फाइव, लक्ष्मी घर आई। स्टार भारत पर प्रसारित होने वाले टीवी शो लक्ष्मी घर आई भी उन्हीं टीवी सीरियल्स में से एक रहा है जो कि साल 2021 में जुलाई के महीने में शुरू हुआ था। बता दें, ये शो सोशल मैसेज से जुड़ा हुआ था, जिसमें भारत में फैली दहेज परंपरा से जुड़े कई मुद्दे देखने को मिले थे। हालांकि इस शो को भी दर्शकों ने देखना पसंद नहीं किया, तभी तो ये जुलाई के महीने में शुरू हुआ, ये शो 2 महीने बाद ही बंद कर दिया गया। नंबर सिक्स, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी थ्री। साल 2016 में सोनी टीवी पर प्रसारित किया गया शो कुछ रंग प्यार के ऐसे भी काफी ज्यादा पसंद किया जाने वाला टीवी शोज में से एक रहा है, जिसमें देव और सोनाक्षी की प्रेम कहानी दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आई थी, और इसी तरह दूसरे सीजन ने भी काफी प्यार पाया, पर अफसोस इसका तीसरा पार्ट दर्शकों पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया, तभी तो ये शो सिर्फ और सिर्फ 5 महीने ही टीवी पर चला। नंबर सेवन, आपकी नजरों ने समझा। स्टार प्लस का शो आपकी नजरों ने समझा भी उन्हीं टीवी शोज में से एक है जो दर्शकों पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया। आपको बता दें, ये शो विजेंद्र कुमेरिया और ऋचा राठौर जैसे बड़े बड़े सितारों के साथ पर्दे पर उतारा गया था, जिसमें प्यार की एक अलग ही कहानी देखने को मिली थी, पर इसके बावजूद इस शो की स्टोरी आगे चलकर काफी बोरिंग हो गई, जिसकी वजह से ये शो भी 7-8 महीने ही पर्दे पर टिक पाया। नंबर एट, शौर्य और अनोखी की कहानी। इस लिस्ट में आखिरी टीवी शो है शौर्य और अनोखी की कहानी, जिसकी कहानी शौर्य और अनोखी पर आधारित थी, जो कि एक दूसरे से बिल्कुल भी अपोजिट थे, पर इसके बावजूद इन दोनों की जिंदगियां किसी न किसी तरह आपस में जुड़ जाती हैं और इस तरह इन दोनों की प्रेम कहानी भी शुरू हो जाती है। पर दर्शकों को इस शो में कुछ नया देखने को नहीं मिला, जिसकी वजह से ये शो भी 8 महीनों के अंदर ही पर्दे से अलविदा कह गया। तो दोस्तों, आप इन सभी टीवी शोज में से किस टीवी शो को देखना पसंद करते थे, तो आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही और खबरों को देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।